नमस्कार, स्वागत है आपका satyhindi.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। चारों तरफ जब मौत और महामारी का दरिया हो, उस दरिया में हर दूसरा परिवार आज कोविड से जूझ रहा है। कैसे अपने प्रियजनों को बचाया जाए, उनकी जान कैसे बचाई जाए। कितने सारे ऐसे परिवार हैं जो अपना घर बेचकर, खेत बेचकर, अपनी गाड़ियों को बेचकर अपने प्रियजनों को बचाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। और कोविड की वजह से जो बिल्कुल एक तरीके का प्रलय आ गया है, उससे बचना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। और ऐसे में उन परिवारों का आप दर्द समझ सकते हैं, लेकिन जब इतना दर्द और एक इतनी बड़ी जंग जब किसी के सामने रहती है, तो लोग हमेशा अपने समाज की ओर देखते हैं कि हमें समाज से क्या समर्थन मिलेगा, हमारा समाज हमारी कैसे मदद करेगा। लेकिन इस कोविड महामारी के दौरान, और सिर्फ कोविड में ही नहीं, किसी भी महामारी को आप उठा के देख लीजिए, तो महामारी में समाज का एक बड़ा तबका है जो कि सेवा नहीं बल्कि पैसे ऐंठने का काम करता है, जिसको हम अंग्रेजी में एक्सटॉर्शन रैकेट कहते हैं। एक नहीं बल्कि अनेक कहानियां इस समय कोविड महामारी के दौरान मौजूद है, जहां पर परिवार इस तरीके से जूझ रहे हैं कि उनके पास भले पैसे जेब में खाने को नहीं है, लेकिन आज वो अपने प्रियजनों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एक दो कहानियां ऐसी हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। अभी हाल के दो हफ्ते में कुछ ऐसी स्टोरीज सामने आई हैं जो कि आपको वाकई में सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या हमारे समाज में दया, करुणा, सहानुभूति जैसे शब्द क्या समाज से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। अलग अलग जगह से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि एम्बुलेंसेस को ले लीजिए, कोई भी बीमार अगर आपके परिवार में होता है तो आप सबसे पहले एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करते हैं कि आप एम्बुलेंस की सेवा आपको चाहिए, ताकि आप अपने प्रियजनों को अस्पताल या नर्सिंग होम में लेकर जाए। लेकिन दिल्ली की कुछ ऐसी खबरें हैं जहां पर एम्बुलेंस जो कि 500 से 1000 रुपए, या फिर अगर उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ वो एम्बुलेंसेज होंगी तो उनका ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हजार रुपए लगता था, लेकिन आज 3 से 4 किलोमीटर चलने के लिए दिल्ली में एम्बुलेंसेज, आपको हैरानी होगी जानकर कि 20,000 से लेकर 42,000 रुपए चार्ज कर रही हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की ही कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। ये आपको मैंने एम्बुलेंसेस की बात बताई। रही बात दवाइयों की, जैसे रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर एक ऐसा इंजेक्शन माना जा रहा है जिसको लेकर जमकर कालाबाजारी हो रही है, जमकर इसकी होर्डिंग भी हो रही है, जिन्हें उसकी जरूरत भी नहीं है वो भी उसको खरीद कर रख रहे हैं, ये सोचकर कि बाद में वो ब्लैक मार्केट में इसको बेच देंगे तो उसमें उनका फायदा हो जाएगा। आपने देखा था कि अभी गुजरात में हाल में जो गुजरात के जो चीफ हैं मिस्टर पाटिल, उनके पास से कितने सारे रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, तो ये तो उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी को में बांटने के लिए लोगों को रखा था। लेकिन सवाल ये है कि रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन हैं वो सिर्फ अस्पतालों को दिए जा सकते हैं या फार्मेसीज को दिए जा सकते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे खरीदने वाले कौन है, इनकी मंशा क्या है, क्या वो ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं? क्योंकि जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो लगभग 900 रुपए में आम दिनों में मिलता है, आज उसकी कॉस्ट 1 लाख से 1.5 लाख तक जा रही है। उसी तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, जिनके दाम नॉर्मल तरीके से आप अगर देखें तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो आपको 45,000 और 55,000 के बीच में एक अच्छा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल जाएगा, लेकिन आज अगर आप खरीदने जाएं तो आपको ब्लैक मार्केटर्स, स्कैमस्टर्स, इनका सामना करना पड़ेगा, और वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आम लोगों के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए में बिक रहा है। आखिर क्या करेंगे ऐसे परिवार वाले जिनका बेटा या जिनकी बेटी, जिनके माँ या बाप अपनी सांसें तोड़ रहे हैं, उनके सामने और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि भले ही ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़े, भले ही अपना घर बेचना पड़े, अपने खेत बेचने पड़े, अपनी गाड़ी बेचना पड़े, क्योंकि सबको ये लगता है कि जान बच जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हम सारी मुसीबतों का सामना कर लेंगे। लेकिन हमारा जो समाज है, जो समाज की ये सोच है कि कैसे इस महामारी में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए,
इस सोच को लेकर काफी हैरानी होती है कि हमारे समाज का स्तर कहाँ तक गिर गया है। देखिए, इतिहास गवाह है कि किसी भी समाज में, किसी भी दौर में, महायुद्ध के दौरान, महामारी के दौरान या किसी आपदा के दौरान, जबकि बहुत सारे लोग अच्छे सकारात्मक कार्य करते हैं, कुछ लोग मानव समाज में ऐसे जरूर रहते हैं जो मुनाफाखोरी या प्रॉफिटियरिंग करेंगे। आदर्श समाज में हम इच्छा करें कि ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा हो नहीं पाता है। तीन पहलू हैं। एक तो यह है आंतरिक नैतिक जिम्मेवारी जो है, दूसरा होता है सामाजिक जवाबदेही, और तीसरा होता है कानूनी पहलू। तो जाहिर है कानूनी पहलू अमल करना बहुत जरूरी है, लेकिन मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म से अमल करने वाले हैं उनकी प्रायोरिटी में ये नीचे हो जाता है, क्योंकि और बहुत सारी चीजें करना जरूरी है। आंतरिक नैतिक जिम्मेवारी जो है वो जाहिर है, जैसे मैंने कहा, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये कहेगा कि कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनको पैसे का लोभ होगा। तो मैं एक ही समझता हूँ कि सामाजिक जवाबदेही जो है वो जिस हद तक बनाई जा सके वो बनानी चाहिए कि लोग ऐसा कम करें या बिल्कुल ना करें। 22 अप्रैल को आपको बताती हूँ कि जो सिप्ला फार्मा कंपनी है तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि सिप्ला के नाम से ऐसी बहुत सारी नकली दवाइयां लोग बेच रहे हैं। और ट्विटर पर, अगर आप ट्विटर को खंगालने की इस समय कोशिश करें तो ट्विटर पर ऐसी तमाम तरीके की इंस्टेंसेस आपको सामने आएंगे जहां पर लोगों ने औने पौने दामों में लोगों से पैसे ऐठे हैं, चाहे वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन हो या कोई भी दवाई हो या ऑक्सीजन सिलेंडर्स ही क्यों ना हो। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं और लोगों का ये मानना है कि जो ये स्कैमस्टर्स हैं और जो आपको चीट करने वाले ये लोग हैं, ये आपसे क्या कहते हैं, ये आपको फोन करते हैं, आपका नंबर देते हैं और आपको ये कहते हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर या रेमडेसिविर की दवाई चाहिए तो उनको एडवांस पेमेंट चाहिए, और मरता क्या ना करता आप एडवांस पेमेंट दे देते हैं। लेकिन एडवांस पेमेंट देने के बाद ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस सामने आए हैं जहां पर लोगों ने अपने उन कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लॉक कर दिया, यानी कि जिन लोगों ने आपको चीट किया उन नंबर्स को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। तो ये 22 अप्रैल को फार्मा की, जो सिप्ला फार्मा कंपनी है, मैं उसकी आपको बात बता रही हूं। उसी तरीके से 26 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने एक 32 साल के एक हॉस्पिटल से एक नर्सिंग स्टाफ को अरेस्ट किया था क्योंकि वो जो कपल था वो इन्वॉल्व था रेमडेसिविर के इंजेक्शंस को बेचने में, और ब्लैक मार्केट में ये पता चला कि वो 2 से 2.5 लाख रुपए में वो इंजेक्शंस बेचने की कोशिश कर रहा था। और उसका नतीजा क्या हुआ, क्योंकि पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसके पैसे जबरन उसको वापस कराए गए। लेकिन आपको बता दें कि जहां तक सिलेंडर्स का सवाल है तो सिलेंडर्स, लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की और उनका ये कहना था कि आज सिंगापुर से एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन सिलेंडर इंपोर्ट करना ज्यादा आसान है बनिस्पत इसके कि आप अपने देश से, आप देश के अंदर से कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को खरीदें, क्योंकि अगर आप सिंगापुर से वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट 18,000 रुपए है। लेकिन आज अगर उसी ऑक्सीजन सिलेंडर को आप भारत के अंदर किसी भी हिस्से से खरीदना चाहें तो उसकी जो रकम है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन, सरकार, पुलिस ये क्या कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफी कमी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो ऐसी बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं जो कि पहले होती हैं और इस तरीके की जो प्राथमिकताएं हैं वो बाद में होती हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि किसी भी परिवार के लिए जब एक ऐसे दर्द से वो गुजरता है कोई परिवार वाला कि उसके जो परिवारजन हैं वो मौत से जूझ रहे हैं, अपनी सांसों का दम तोड़ रहे हैं, तो अगर ऐसे में मुनाफाखोरों से उनको निपटना पड़े तो उनका दर्द कितनी गुना बढ़ जाता है। देखिए, ये शो करता है कि हमारा नेशनल करैक्टर कितना नीचे जा चुका है।
आप अगर हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे, क्लैमिटी आई है, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने दबा के नोट बनाए हैं और दबा के उसके बाद केसेस भी निकले हैं, सीबीआई ने भी कुछ इन्वेस्टिगेट किए हैं, और उसके बाद उन केसेस का क्या हुआ कोई पता नहीं। तो हमारे यहाँ एक बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड और ग्रीज्ड सिस्टम बन चुका है पैरेलल इकोनॉमी का, कि जब भी क्लेमिटी कोई आती है तो ये सारे पैरेलल इकोनॉमी वाले इकट्ठे होके ऑर्गेनाइज हो तरीके से अपना एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं। अब आप ये देखिए कि 50,000 का जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल जाता था, आज वो 1,90,000 या 2 लाख में भी नहीं मिल रहा। और जो अमेजोन वगैरह पे या सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट आती हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, वो मेरे को नहीं लगता कि वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, क्योंकि जिस ढंग का मैंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अभी हाल ही में पिछले साल अपनी मदर के लिए यूज किया था, और ये जो दिखाए जा रहे हैं वो तो मेरे को डीह्यूमिडिफायर या एयर प्यूरिफायर ज्यादा लगते हैं बजाय के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के। तो अगर आप ये देखो, दवाइयों का देख लो, आज नकली दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग भी पकड़ी गई है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ी है। आप एक और भी आज किस्सा देख रहे होंगे शायद, कि फायर एक्सटिंग्विशर बेच दिए ऑक्सीजन सिलेंडर कह के। तो मतलब हमारा करेक्टर एज अ नेशन कितना गिर चुका है। तो ऐसे में समाज का क्या रोल है? आज पूरी जो स्पॉटलाइट है वो हमारे समाज के ऊपर है। जो जितने भी बड़े साइकाइट्रिस्ट हैं और जो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी विपदा में, किसी भी त्रासदी में, आज से नहीं बल्कि युगों युगों से इस तरीके के लोग समाज में रहे हैं, जिन्होंने उसी आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की है, और ये अवसर पैसा कमाने का, कि कैसे भी हो इस त्रासदी से पैसे कमाओ, भले ही लोगों को कितना भी दर्द क्यों ना पहुंचे। आज एक ऐसे समय में जब समाज एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो आज हमें ये सोचने को मजबूर कर देता है कि हमारा रोल आज क्या होना चाहिए। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में काफी सारे प्रावधान हैं जिसके जिसके चलते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ऐसे चीजों को रोक सकते हैं, या अगर कोई वस्तु है जैसे जैसे दवाइयां हैं कोई उसे छीनकर उचित दाम पर दे सकते हैं। पर क्राइसिस सिचुएशंस में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की मदद के लिए आते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो इस क्राइसिस में अपने फायदा के ही सोचते हैं। तो जो भी कालाबाजारी करते हैं, जो एक्सटॉर्शन करते हैं, उनके ऊपर बाद में भी कार्रवाई हो सकती है। ये पर जिन जिन पे ये गुजर रही है, इमीडिएटली उनके 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 सहायता के लिए कोई कोई एडमिनिस्ट्रेटर आगे नहीं आता, कोई पुलिस वाला नहीं कहता है कि उचित उचित दाम पे बेचो या उचित दाम पे एम्बुलेंस चलाओ। पुलिस अगर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, सरकारें बिल्कुल नाकाम हो गई हैं, समाज के ऐसे लोग अगर आपके सामने हैं जो कि आपकी मदद करने के बजाय मुनाफा कमाने में ज्यादा जुटे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या हम ये संसार का अंत देख रहे हैं? मैं इसे नहीं कहूंगी, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको थोड़े ही दिन पहले हमने सत्य हिंदी पर, मैंने जितेंद्र सिंह शंटी जी का इंटरव्यू भी किया था, जो कि आज शमशान घाट पर और बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करते हुए और कितने सारे लोगों का अंतिम संस्कार करते हुए वो दिख रहे हैं, और वो किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं इस बात के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना पैसे लिए भी आज अपने दिल से, अपने हृदय से लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन आज उन लोगों के बारे में सोचिए जो ऐसी महामारी के बीच उनका सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, ऑल दैट मैटर्स इज मनी, नथिंग एल्स।
तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? आज उन्हें समाज क्यों नहीं दंडित कर पा रहा है? आज उन्हें सरकारें दंडित क्यों नहीं कर पा रही हैं? मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज मुनाफाखोरी, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग के लिए सारे नियम और कानून मौजूद हैं, लेकिन इस महामारी के बीच कम से कम इस दर्द को तो मल्टीप्लाई ना किया जाए, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहने को और हम कह सकते हैं कि आज हम सब इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो समाज का एक सिटीजन हो, चाहे सरकारें हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, लेकिन आज हमारे समाज में शिक्षा की एक बहुत बड़ी कमी है। और जब शिक्षा की कमी की मैं बात करती हूं, तो ये शिक्षा शायद बचपन से इसको इवॉल्व करने की जरूरत है, जहां पर आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी आनी चाहिए। आज ऐसे कितने लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर जाकर या पुलिस से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं कि देखिए मुनाफाखोरों ने इतने सारे पैसे हमसे जबरन ऐंठ लिए, और उसकी लड़ाई वो आज कंज्यूमर कोर्ट्स में या फिर जो दिल्ली मेडिकल जो स्टेट की जो मेडिकल अथॉरिटीज हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। आज कैसे इतने लोग हैं? क्योंकि आज लोगों को अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ना आता, आज लोगों को उनके अधिकार नहीं पता है, और सिर्फ इसलिए समाज के ये मुनाफाखोर इन चीजों का फायदा उठाते हैं। अगर आज लोगों में इतनी शिक्षा हो, इतनी जागरूकता हो, तो शायद ऐसे मुनाफाखोर इस दर्द का फायदा नहीं उठाएंगे। आप भी इस पर गौर करिएगा, और इस पर आपके फीडबैक का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। और ऐसे में और कुछ क्या कहूं, लेकिन महामारी में मुनाफाखोरी, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? इस एपिसोड को खत्म करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि बेबाकी से बोलना, पत्रकारिता करना, स्वतंत्र पत्रकारिता करना आज के समय में एक बहुत मुश्किल काम है, और ऐसे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, उसकी सदस्यता लें, इससे हमें आपका समर्थन मिलेगा और आपको निष्पक्ष खबरें मिलेगी। आप बने रहिएगा सत्य हिंदी पर और देखते रहिएगा आज का एजेंडा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।